अस्सलाम वालेकुम। मैच खत्म हो गया और पाकिस्तान टीम 128 पे ऑल आउट हो गई है। और पाकिस्तान की टीम 128 पे आउट हो जाए इंडिया के खिलाफ तो फिर सोचने वाली बात है, अफसोस वाली बात है, अफसोस ही कर सकते हैं। ये टाइम क्यों आया पाकिस्तान टीम पे, ये टॉस से फैसले गलत हुए हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो की है। बस इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाब देगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। उसके बाद इंडियन टीम ने जो बैटिंग की है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। विराट कोहली के 4700, के राहुल का आते साथ ही 100 करना, बड़े मैच में, प्रेशर वाले मैच में उसने अपनी क्लास दिखाई कि ऐसा मेन प्लेयर टीम में आता है तो टीम कितनी स्ट्रांग होती है और टॉप टीम टॉप प्लेयर से क्या डिमांड करती है, उसमें पूरा उतरा। और क्या जबरदस्त दोनों ने बैटिंग करके दिखाई है और 356 रन बनाए हैं बड़ी जबरदस्त अप्रोच के साथ। इन दोनों ने बैटिंग ऐसे की, इन दोनों ने नहीं, चारों ने जो बैटिंग की है वैसे की है जैसे नेट में बैटिंग नहीं होती, नॉकिंग नहीं होती, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस था क्योंकि प्लेयर ऐसे हैं, जब इनके हाथ के बॉलर लग जाते हैं तो फिर ऐसे ही खेलते हैं। उन्होंने खेल के दिखाया बैटिंग कैसे होती है, क्या कमाल की बैटिंग की है। उसके बाद विराट कोहली की अचीवमेंट, 13,000 रन फास्टेस्ट बनाए हैं, 8,000 भी, 9,000 भी फास्टेस्ट, 10,000 भी, 11,000 भी और 13,000 रन। क्या मॉडर्न डे का ये मेरे ख्याल से रोल मॉडल है सब लड़कों का, आजकल की जो क्रिकेट है। अगर मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में जितने यंगस्टर्स हैं अंडर 15 अंडर 19, वो जरूर इसको फॉलो करें, उसकी अप्रोच, इसका रन करना, बैटिंग करना, इसके स्टैट्स कैसे किए हैं। पैशन है, जुनून है, अग्रेशन है, कंट्रोल अग्रेशन है और एक हंगर है परफॉर्म करने की और शौक है परफॉर्मेंस करने का, टीम को जितवाने का, और इसलिए ये ग्रेट प्लेयर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स कम ही आते हैं। और क्या अपनी कंट्री के लिए अचीवमेंट उसने की है और वर्ल्ड क्रिकेट में दीवाना बनाया, मैं यही बोलूंगा पूरी दुनिया को। पाकिस्तान में बहुत से उसके फैन हैं, दीवाने हैं, उसमें से मैं भी हूँ, मैं भी इतनी क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन मजा आता है जब ये खेलता है या रोहित शर्मा खेलता है, अब गिल भी खेलता है, तो के राहुल की क्लास देख लिया। लेकिन ये बंदा जब रन करता है ना तो पता चलता है, क्योंकि बैटिंग ऐसे की जाती है प्रेशर में, बड़े मैच में, तो प्रेशर कितने अच्छे तरीके से हैंडल करता है वो चीज नजर आई है। और पाकिस्तान टीम को तो ऐसे जो हवा बना हुआ था पाकिस्तान टीम का, धर्म भरम कर दिया इंडियन टीम ने। बैटिंग में, बॉलिंग में देखें, ये गई है पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान ने ये टाइम खुद लेके आए हैं और जैसे मौका मिला था, खैर गलतियां हो गई हैं, अगले आने वाले मैचेस में आप देखिएगा इस पे जरूर वर्क करेंगे। और पाकिस्तान जैसे हारा है इस पे देखते हैं कि अगले आने वाले मैच पे टॉप टीम के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं, इंडिया जब आएगी या वर्ल्ड कप में आएगी तो ये इस हार से कितना सीखे हैं ये देखना पड़ेगा, क्या अप्रोच थी। उसके बाद आपने बॉलिंग जैसे की है, एक ऐसे लग रहा था कि फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी, कोई गेम प्लान नहीं था, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, उन्होंने भी चारों फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग की है ना, कुलदीप ने बॉलिंग की है ना, पता चला है ना। और हमारे बॉलरों को बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाहीन आउट करके दे, नसीम आउट करके दे, अगर इनसे आउट नहीं हुए तो बाकी बॉलर्स भी करना है, जो शिताब है या फहीम अशरफ ऑलराउंडर या इफ्तिखार को ऑलराउंडर बनाया जाता है। मैंने फिर कहा आधा बटेर आधा तितर नहीं चलेगा, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। आज कुलदीप यादव ने 5 आउट किए तो देखा तो स्पेशलिस्ट था, उसने 5 आउट करके दिए, अंडर लाइट उसको और ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए थी बॉलिंग, उसने 5 आउट करके दिए। ये फर्क है ऑलराउंडर में और स्पेशलिस्ट में, टॉप टीमों के खिलाफ आप खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा आप देखें, और आप अपना कॉम्बिनेशन भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, आप इस बैटिंग लाइनअप के साथ नहीं जा सकते, बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद बैटिंग में जो अप्रोच थी, टॉप 3 रन करें तो 250 प्लस या 250 तक हम जाएंगे, टॉप 3 में नहीं करेंगे 128 200 तो का हम लोग जाएंगे। आप देख लें अफगानिस्तान के खिलाफ भी टॉप 3 नहीं रन करते तो 200 किया हमने, और यही चीज 300 हमने चीज किया तो नसीम शाह ने आके जितवाया। तो ये आप गलतियां जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे उतनी देर कोई फायदा नहीं है, और ऐसे ही मार खाते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग फिर बॉलरों को बचाना पड़ेगा, बाहर चले जाएंगे, इंजरी हो जाएगी जैसे नसीम शाह को हुई है। ये सारी चीजें इंडियन टीम ने एक्सपोज कर दी है पाकिस्तान टीम की इस मैच में, और वो ऐसे खेल रहे हैं कि कोई उनके लिए प्रेशर ही नहीं है।